टीवी एक्टर शालीन भनोट की लाइफ में हुई नई लड़की की एंट्री। बिग बॉस सीजन 16 के दौरान कई सारे ब्रेकअप्स और पैचअप करने के बाद क्या फाइनली शालीन भनोट को हो गया है प्यार? टीना दत्ता और सुम्बुल तौकीर जैसी लड़कियों की लाइफ में आकर सुर्खियां बटोरने वाले शालीन भनोट अब फाइनली क्या लव में है किसी के साथ? वेल, शालीन ने की है कुछ ऐसी हरकत जिससे अब ये खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, टीवी एक्टर शालीन भनोट, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 16 में पूरे सीजन एक्टिंग की और काफी सारे पैचअप और ब्रेकअप भी किए, लेकिन अब फाइनली शालीन को लगता है प्यार हो गया है। शालीन की पहली शादी दिलजीत के साथ हुई थी और वो शादी टूट गई। दिलजीत तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं, लेकिन अब दिलजीत के मूव ऑन करने के बाद शालीन भनोट ने एक नई गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी है XUV 700, वो भी रेड कलर की। लेकिन जरा रुकिए जनाब, इस गाड़ी की चाबी बेशक उन्होंने अपनी मम्मी को दी, लेकिन गाड़ी की पूजा करवाई अपनी को स्टार जो कि उनके साथ सीरियल बेकाबू में नजर आती हैं, ईशा सिंह से। जी हाँ, ये देखकर फैंस को काफी ज्यादा हैरानी हुई कि भला शालीन भनोट अपनी को स्टार से अपनी गाड़ी की पूजा क्यों करवा रहे हैं। और उसके बाद ये खबर उड़ने लगी कि क्या शालीन की लाइफ में ईशा सिंह ने एंट्री ले ली है, क्या शालीन और ईशा के बीच में कुछ चल रहा है। वेल, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ फैंस और ये तस्वीरें, ये वीडियोस जरूर ये बात कह रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, शालीन का दिल तो सच में बच्चा है जी, कभी किसी पर तो कभी किसी पर आ ही जाता है। फिलहाल तो शालीन एकता कपूर के शो बेकाबू में राक्षस का किरदार निभा रहे हैं। वेल, क्या कहेंगे आप शालीन भनोट की इस नई लव लाइफ को लेकर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।